पेशावर म्यूज़ियम दुनिया का सबसे बड़ा गंधारा आर्ट का म्यूज़ियम है, जो कलेक्शन की तादाद के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है गंधारा आर्ट का। लेकिन कलेक्शन से हट के इसकी जो बिल्डिंग है वो भी एक शाहकार है, आर्किटेक्चरल शाहकार है। ब्रिटिश पीरियड में बनाई गई थी इसको, विक्टोरियन स्टाइल में बनाया गया था, और 1906 में फिर उसको मौजूदा म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया। ये पहले, उससे पहले बॉलरूम था, डांस क्लब था ब्रिटिश टाइम में। 1906 में इसको म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया, जो पेशावर म्यूज़ियम के नाम से फिर इसको जाना जाता है। इससे पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इसको कहते हैं। पिछले 50-60 साल में इस म्यूज़ियम में डिफरेंट इंटरवेंशंस हुई, पूरे पाकिस्तान से हमने लोग एक्सपर्ट बुलाए। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं वो रिवर्स यानी फॉल सीलिंग ख़त्म की, इसका जो ऑयल बेस्ड पेंट था वो ख़त्म करके वाटर बेस किया, इसके अलावा इसके फर्श को जो वुडन फ्लोर था उसको रिहेबिलिटेट किया, आर्चेस इसके ओपन किए गए, इसके अलावा बिजली का इसमें काम का ऊपर जो डोम थे उसको ओरिजिनल टेक्निक में हमने रिहेबिलिटेट किया वापस, मिनरल्स जो थे को हमने इसकी रीओपनिंग की है। सेक्रेटरी साहब ने, जो हमारे आबिद मजीद साहब हैं, इन्होंने इसकी रीओपनिंग की है, पब्लिक के लिए दोबारा खुल गया। तो अभी जो टूरिस्ट आते हैं वो कलेक्शन के साथ साथ इस बिल्डिंग की ब्यूटी को भी अप्रिशिएट करते हैं। अभी नेक्स्ट जो आखिरी स्टेज है वो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है गाइड के नाम से, उसके ज़रिए से हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हायर किए हैं जो इस म्यूज़ियम के शोकेसेस को चेंज करेंगे थीम और नैरेटिव के मुताबिक। यानी अगर कोई टूरिस्ट आएगा पेशावर म्यूज़ियम विज़िट करके वापस जाएगा तो उसको एक ख़ास किस्म का सबक मिलना चाहिए कि पाकिस्तान ने और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा ने क्या कंट्रीब्यूशन की है सिविलाइजेशंस में पुराने वक्त में, और मौजूदा जो कल्चर है इसमें क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं एंशेंट टाइम के। तो एक प्रॉपर नैरेटिव, एक प्रॉपर थीम के मुताबिक यहाँ पे शोकेसेस डिस्प्ले होंगे, एक एक शाहकार होगा। आई वुड सजेस्ट पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम इन पाकिस्तान, कलेक्शन के लिहाज से और डिस्प्ले के लिहाज से और क्वांटिटी के लिहाज से।